सीएनआरसी को लेकर हुई विपक्ष की बैठक, बैठक में बीएसपी और टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल रहे हुए। मायावती ने कांग्रेस को विश्वासघाती करार दिया है। तमाम ट्वीट मायावती ने आज के दिन किए और कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है, विश्वासघाती करार दिया है। तो बैठक में बसपा और टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर चुनाव आने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बुलाई गई किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेती है तो कहीं ना कहीं उनके चुनावी जो दाव पेच है उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए माना जाता है कि बैकआउट उन्होंने किया है और बसपा की जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी से रही है वो राजस्थान को लेकर रही है। राजस्थान में बसपा ने जैसा समर्थन दिया उसके बाद में इन्हीं के पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, ऐसा आरोप मायावती लगाती रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर विश्वासघाती करार दे दिया है कि विश्वास करने के लायक कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसीलिए हम इनकी किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।